दोस्तों बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम आते ही जहाँ सामान्यतम चारों तरफ विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वहीं न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर कुछ दुखद समाचार भी सामने आते हैं। जहाँ विद्यार्थी अच्छे नंबर न आने और मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या तक कर बैठते हैं, यह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि विद्यार्थी आत्महत्या के मामलों में हम प्रथम स्थान पर हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। वैसे आज के प्रतियोगिता भरे युग में पढ़ाई करना और अच्छे नंबरों से पास होना किसी लड़ाई से कम नहीं रह गया है। बात तो बहुत सीधी सी है कि अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो इसके लिए पहले से रणनीति बनाने और उनके अनुरूप तैयारी करने की आवश्यकता है। आमतौर पर सही मार्गदर्शन के अभाव में विद्यार्थी ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पाते और परीक्षा का समय नजदीक आते ही उनमें चिंता और घबराहट बढ़ने लगती है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने और सफल होने के कुछ सूत्र यहाँ दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूत्र बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे। लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में अपनी पढ़ाई के लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप कौन सा चैप्टर या किताब कितने दिनों में खत्म करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अथवा अपने मनपसंद कॉलेज में जाने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। इस प्रकार अपनी पढ़ाई के लक्ष्यों को तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर हफ्ते हर महीने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पढ़ाई करेंगे तो साल के अंत में बिना घबराहट के सही ढंग से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। सूत्र 2, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। जो भी विद्यार्थी सफल होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह पढ़ाई के लिए निर्धारित किए गए समय की एक टाइम टेबल बनाए। इस टाइम टेबल में हर विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। एक सही टाइम टेबल बनाने पर ही आप हर विषय पर सही ध्यान दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों केवल टाइम टेबल बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका पालन करना ही उतना ही जरूरी है। सूत्र 3, बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटें। दोस्तों कोई भी बड़ा कार्य जब हम करने लगते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिन और असंभव लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी बड़े चैप्टर या फॉर्मूला को छोटे भागों में बांट कर आसान बनाया जा सकता है। इससे पढ़ना आसान और रुचि कारक हो जाता है। सूत्र 4, पढ़ाई के बीच अल्प विश्राम लें। पढ़ाई करते समय आपका दिमाग थक जाता है। जब भी आप थकान महसूस करें तो एक अल्प विश्राम लें, यानी कि शॉर्ट ब्रेक लें। आमतौर पर पढ़ाई करते समय 30 से 40 मिनट के बाद आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सूत्र 5, काम को टालने की आदत छोड़ें। मित्रों यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको कार्यों को टालने की आदत का त्याग करना होगा। जो कार्य जरूरी है उसे सही समय पर करें। आपने सुना ही होगा, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बौरी करेगा कब। इसका मतलब है कि हमें कल के काम को आज और आज के काम को अभी कर लेने चाहिए। लेकिन आज के युवाओं ने एक नए दोहे को जन्म दिया। उनका कहना है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो। इतनी जल्दी क्यों करे, अभी पड़े है परसो। दोस्तों पर सच्चाई क्या है ये हम सभी जानते हैं, इसलिए हमें काम को टालना नहीं चाहिए बल्कि सभी जरूरी काम समय पर कर लेने चाहिए। 6th है, अपने ऊर्जा स्तर पर जाने। दिन में अलग अलग समय पर हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग सुबह के समय ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो कुछ लोग शाम को या फिर रात के समय। कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है तो कुछ लोगों को देर रात को पढ़ा हुआ। तो जिस समय आप अपने को ज्यादा फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करते हैं वह समय आप अपनी पढ़ाई के लिए रखें। 7th है, प्रश्नों का उत्तर खोजें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ नहीं आता तो निसंकोच अपने अध्यापक से सहायता मांगें। हो सकता है कि ज्यादा या बार बार प्रश्न पूछने के लिए आपके अध्यापक आपको डांट दे, पर विश्वास कीजिए
कि जो विद्यार्थी वास्तव में सीखने की इच्छा रखता है उसे सभी टीचर्स पसंद करते हैं और उनकी मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। आठवां है, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने साथ एक हाईलाइटर पेन हमेशा रखें। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण नाम, तिथि, स्थान या वाक्य दिखाई देता है तो तुरंत उसे हाईलाइट कर दीजिए। इस तरह से रिवीजन करते समय आपको काफी मदद मिलेगी। सूत्र नंबर 9, खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए समय दें। एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि उसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अपने मनोरंजन के लिए भी समय देना चाहिए। खेलकूद से शारीरिक विकास होता है। घर के अंदर भी आप बुद्धिवर्धक खेलों यानी कि मेमोरी इम्प्रूवमेंट गेम का आनंद ले सकते हैं। सूत्र नंबर 10, सभी संसाधनों का प्रयोग करें। पढ़ाई के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें। किताबों को ध्यान से पढ़े, पुस्तकालय में जाइए, अपने अध्यापकों और अभिभावकों से सहायता लें, दोस्तों और बड़े भाई बहन से मदद मांगें। इंटरनेट और टेलीविजन आदि सभी उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक प्रयोग अपनी पढ़ाई के लिए करें। सूत्र नंबर 11, स्वयं को प्रोत्साहित करें। परीक्षा खंड में जाने से पूर्व स्वयं को प्रोत्साहित करें। जीवन की उन घटनाओं को याद करें जब आप सफल हुए थे। अपने आप को विश्वास दिलाए कि आप पहले भी कठिन परिस्थितियों एवं परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इस परीक्षा में भी आप जरूर अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे। इस प्रकार के सकारात्मक विचारों से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप परीक्षा में अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आज के इस प्रतिस्पर्धा से भरे युग में हर व्यक्ति प्रथम स्थान पर आना चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए। जब भी हम छोटी छोटी सफलताओं अर्जित करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है, परंतु जब हमें किसी हार का सामना करना पड़ता है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन एक ECG ग्राफ की तरह है। जब तक ECG ग्राफ ऊपर नीचे जाता है तब तक हमारा हृदय काम करता रहता है, परंतु जब एक सीधी रेखा दिखाई देने लगती है तो हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है और जीवन का अंत हो जाता है। उसी प्रकार यदि जीवन में उतार चढ़ाव न हो तो जीवन रसहीन हो जाता है। इसलिए जीवन में असफलताओं का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सफलताओं का। असफलताओं से लड़ते हुए जब आदमी सफलता प्राप्त करता है तभी वह उसका पूर्ण आनंद ले सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने मन को असफलताओं के डर से ग्रसित न होने दें, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में यह भय बैठ जाता है कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर उसके लिए सफल होना कठिन हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की मानसिकताओं का त्याग आज और अभी कर दें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।